यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट वीडियो बनी थी उसके अंदर बेटा हमारी एक छोटी सी गलती रह गई थी कि वो बीच में ही वीडियो कट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 20 है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने किया था। मैं हल्का सा उसको पहले रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 20 किया है हमारे पास। ए ने बेटे बिजनेस कमेंस किया है, कितनी कैपिटल से किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। 10,000-30,000 से उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। उन्होंने बताया है कि 2019 में उनके एसेट्स कितने हैं बेटा, 50,000 के हैं। लाइबिलिटीज कितनी हैं, 10,000 की हैं। यानी कि एंड में इन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग के एसेट्स की और ओपनिंग की लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं थी। तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट हमें निकालना है कि टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है बेटे। तो हमेशा हम याद रखेंगे बेटा, एक तो उन्होंने अगर आपने ध्यान दिया है तो उन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट दिया था। हाँ जी बेटा, यस, उन्होंने ओपनिंग कैपिटल दिया हमें। और ओपनिंग कैपिटल उन्होंने हमें कितनी दी बेटा, बिल्कुल ठीक कहा, 30,000 उन्होंने मुझे क्या दिया है, ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट दिया है। तो पहली बात तो बता रहा हूँ मैं, 31 मार्च 2019 को इन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन हर जगह होल्ड होती है। 31 मार्च 2019 को हम क्या निकालेंगे, ये इक्वेशन लिख देंगे क्या बेटा, यस, एसेट्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, यस, लाइबिलिटीज प्लस में क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल लिखेंगे हम लोग। ये हमारी इक्वेशन हर जगह क्या होती है बेटे, होल्ड होती है। तो आप बताइए कि एंड ऑफ द ईयर में इन्होंने जो हमें एसेट्स की वैल्यू दी थी वो कितनी दी हुई थी। आप कहेंगे सर 50,000, ठीक है, मैंने 50,000 लिख दी। लाइबिलिटीज़ कितने की दे रखी हैं आपको, लाइबिलिटीज़ आपको दे रखी है बेटा 10,000 की। कितने की लाइबिलिटीज़ दी है बेटा, 10,000 की प्लस कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट यहाँ मिसिंग था तो कैपिटल अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैपिटल कितनी आ जाएंगी, निकालिए जरा, हेल्प करिए मेरी। आप कहेंगे अब यहाँ पे एक वर्ड लगा देते हैं बेटा, सी और सी लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ हर जगह सी लगा देते हैं। इसका मतलब क्लोजिंग एसेट्स, इसका मतलब क्लोजिंग लाइबिलिटी, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो यानी कि अल्टीमेटली अगर कहना चाहता हूँ तो मेरी कैपिटल कितनी आ जाएगी, यानी कि मेरी कौन सी कैपिटल आ जाएगी बेटा, ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी मेरी, 40,000 आ जाएगी। ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, यहाँ एक नंबर मुझे यहाँ पे सीबीएसई दे देगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमारी वीडियो में, कि फॉर्मूला होता है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स। ये वाला फॉर्मूला और हमें यहाँ पे यूज़ करना है बेटे। पांच चीज़ें दी होती हैं, पांच में से मतलब चार चीज़ें गिवन होंगी, चौथी चीज़ निकल के आ जाएगी। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हमें कितनी दे रखी है, 40,000, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 30,000। अब मैं ध्यान दूँ तो ये बड़ा फॉर्मूला है, बड़े लोग बड़ी सोच, हमेशा डायलॉग याद रखेंगे, बड़े लोग बड़ी सोच कि हमेशा बड़ा फॉर्मूला लगाना है। कई टीचर छोटा फॉर्मूला लगवा देते हैं, वो नहीं लगाएंगे, क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने हमें एडिशनल कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो मैं कितना मालूम एडिशनल कैपिटल कितनी बेटा, जीरो है, या मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा बेटा। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो लॉस कहलाता है, ये ड्रॉइंग जीरो दे रखिए, तो मेरा प्रॉफिट निकाल लीजिए, सीधा आएंगे आप कहेंगे सर बिल्कुल आगे निकल के आ गया, प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा बेटे, प्रॉफिट हमारा कितना रुपये का आ जाएगा बेटा, 10,000 रुपीज़ का हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ ये प्रॉफिट का मेरा अमाउंट आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर में। चलिए बेटा अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहा हूँ। चार पांच क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे ताकि हम आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बार हम रीड कर लेते हैं 21 क्या है। छोटा सा सवाल है, कैपिटल बिजनेस की कितनी है, 140 है, लाइबिलिटीज कितनी है, 80,000 है, टोटल एसेट्स निकालनी है तो बहुत आसान है। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, बस दोनों को ऐड कर लेते हैं, 80,000 प्लस 140, यस, कितना आ जाएगा, 2,20,000। मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, वन मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ बड़े क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, वो जरूर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखिए बेटा आपको क्या दिया हुआ है, 22 आप देखेंगे तो आपको कैलकुलेट निकालनी है, टोटल एसेट्स कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है जी, आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 25,000 के, रेवेन्यू दे रखा है 50,000 का, एक्सपेंस दे रखा है 40,000 का। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद आ रहा होता बेटा, क्या, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा देंगे और आप इजीली इस क्वेश्चन को भी क्या कर पाएंगे बेटा, सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक सो यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको सबसे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 25 करा रहा हूँ बेटा, सीधा क्वेश्चन नंबर किस पे आ रहा हूँ बेटा, 25। ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूँगा, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 25 और 26, अगर दो क्वेश्चन कर लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम 26 क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक बार ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार हम पढ़ लेते हैं बेटा, ताकि हमें कंसेप्ट क्या हो जाए बिल्कुल क्लियर हो जाए बेटा, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है बेटे आपको, यही दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जरूर बेटा। आप देखिए यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, ये आपको 2019 में आपको एसेट्स की वैल्यू 2,00,000 रुपये दे रखी है और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6,000 दे रखी है।